हेलो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जिनसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, यानी कि उनको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे टूल, सबसे पहले आता है ये टूल, ठीक है, रेक्टेंगल मर्ज टूल। इससे क्या होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, लेकिन एक शेप जैसे कि ऐसे देखिए, यह सिलेक्शन बन चुका है। अब इसको कंट्रोल जे कीजिए, नॉर्मल से देखिए कट हो गया। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल है, इसके बाद सर्कल वाला टूल है, ये लॉन्ग वाला, ये वर्टिकल, ठीक है, इससे आप ऐसे कट कर सकते हैं। ये था पहला टूल। इसके बाद नीचे आएंगे तो दूसरा लास्ट टूल, ये पेन की तरह काम करता है गाइस। हमें इसे पेन की तरह यूं अपने हाथों से घुमाना होता है, कोई भी हिस्सा, कैसा भी हिस्सा, कहीं से भी देखिए काट सकते हैं। इसका काट दिया, फिलहाल तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ही कट कर दिया। आप अपने हाथों से इसे जैसे चाहे वैसे, इस भी ऑब्जेक्ट पर कट करना चाहे वैसे पूरी तरह से ध्यान देकर कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो जितना कट करना होता, ठीक है। ये था सेकंड नंबर का टूल। थर्ड नंबर तो पॉलीगन लास्ट का टूल, तो ये भी कुछ ऐसा ही है लाइक अ शेप, ये सीधा लाइन पे काम करता है, ठीक है, तो कर्व नहीं होता। देखिए ये सीधा लाइन पे काम करेगा, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। इसे ब्लेंड नहीं किया जा सकता, पर अब जैसे जाए जहाँ जाए वैसे लाइन क्लियर करके इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस कंट्रोल है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टूल, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लास्ट टूल। ये ज़्यादा काम का है थोड़ा सा। देखिए आपको क्या करना है, एक जगह क्लिक करना है, उसके बाद जो आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ वहाँ आप अपने माउस से कर सकते हो, बस घुमाते जाइए, ये अपने आप सिलेक्शन लेगा, ठीक है, कुछ दबाना नहीं है, ये अपने आप देखिए सिलेक्शन लेगा आराम से, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। और फिर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से वहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिए, तो देखिए सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है, हो गया ये। देखिए तो ये था मैग्नेटिक लास्ट टूल। इसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ आएंगे क्विक सिलेक्शन टूल। जो क्विक सिलेक्शन टूल है हमारा, बहुत बढ़िया ये भी। देखिए आसानी से दो क्लिक में सिलेक्शन हो गया, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना और ड्रैग करना है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाए कंट्रोल जे के साथ उस सिलेक्शन की कॉपी कर लीजिए। देखिए हो गया ये, यहाँ जो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आ रहा है इसे आप मैनेज कर सकते हैं, सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके उसको पिक्सल घटा के पिक्सल सिलेक्शन अपना कम करके ऐसे करते, ठीक है, ये हो गया। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट मॉडिफाई कॉन्टेक्ट में जाकर इसको 3 पिक्सल हम अंदर कर देंगे, ठीक है, फिर इसको सिर्फ कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन
इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अंदर का सिलेक्शन वो बाहर का बन जाएगा। देखिए यहाँ भी लाइन्स आ रही है, देखिए बाहर यहाँ भी लाइन्स आ रही है। अब हम इसको डिलीट करेंगे तो बाहर का पार्ट डिलीट हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से थोड़ा अच्छे से बन चुका है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। जिससे मैं आपको डेमो के लिए एक टूल दिखा रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से और टाइम देकर अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टूल है हमारा मैजिक वांड टूल, ये देखते गाइस, ये भी कलर पिक करिए, ये कलर पे काम करता है, क्योंकि एक कलर पे आप क्लिक करोगे तो जितने एरिया में वो कलर होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। लाइक मैंने यहाँ क्लिक किया, ये रेड कलर को इसने पिक कर लिया, ठीक है, आराम। तो नॉर्मल से आप क्लिक करोगे ये सिलेक्शन ऐड करेगा, तो आप ओल्ड दबाने के साथ क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन माइनस करेगा, ठीक है। इसलिए आप नॉर्मल क्लिक करो, ये आपको सिलेक्शन गेन करके देगा, ठीक है। कूल, ये बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे सिलेक्शन को, ठीक है। अब हम इसको भी कॉपी करेंगे, देखते एक और बार, आराम से हमारा ट्रांसपेरेंट आ गया। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये टूल हो गया हमारा। नेक्स्ट टूल जो है वो मेन टूल है, इसकी मदद से आप आसानी से, एकदम आसानी से आप चाहे वैसा सिलेक्शन कर सकते हो। कोई कलर रेंज नहीं है, कोई सिलेक्शन वैसा अलग टाइप का नहीं है। इसका नाम है ये पेंट टूल, जैसे मैंने पेंट टूल ले रखा है और मैं यहाँ सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये कई जो बड़े बड़े फोटोशॉप आर्टिस्ट है वो ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं। इससे आप जैसा चाहो वैसा, जहाँ चाहो वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं आसानी से, एकदम आसानी से, ठीक है। देखिए ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत जैसे होगी नहीं, बस आपको इस टूल में जो है थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। पूरा सिलेक्शन आपको अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, ये किसी कलर को पिक नहीं करेगा, कहीं से कोई कुछ कलर वगैरह लेगा नहीं। जहां आप सिलेक्शन करोगे ये वहीं पर सिलेक्ट होगा, तो आसानी से ये करना है। आई होप आपको पेंट टूल चलाना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं स्पेशली पेंट टूल पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा फिर पेंट टूल को यूज करने के लिए एक वीडियो। गाइस देखिए हमने अपना सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसमें आपको सिलेक्शन पे क्लिक करना, फिर इधर रेडियस इसका आपको 0 रखना है, सिलेक्शन रखना है और ओके कर देना है। देखिए बन गया सिलेक्शन, सिंपली हमें इसे हलवा की तरह कंट्रोल जे के साथ कॉपी कर लेना है। देख एकदम आराम से ये हो गया। अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा या सिलेक्शन हुआ थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो सिलेक्ट मेन्यू में जाइए या मॉडिफाई में जाइए, कॉन्टेक्ट में जाइए, या मैंने ट्रिक कर रखा है आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ 2 कर दूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा ये 2 पिक्चर।
अंदर चला गया है सिलेक्शन। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक करूंगा ताकि ये सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में डिलीट कमांड करूंगा, फिर सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। देखिए हमारा दो पिक्सल सिलेक्शन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया बाहर का। अब देखिए ठीक है, आराम से यहाँ पर आपने बना दिया है ये। देखिए इसकी भी इसके ऊपर आराम से आप रख सकते हैं। ठीक है तो ये कुछ ऐसे थे। लास्ट में आपको और एक टूल के बारे में बताऊंगा, ये बहुत इजी है गाइस। तो सिलेक्ट में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबसे सिंपल है, उसको आपको क्लिक करना है। तो किसी भी इमेज के अंदर जो स्पेशल सब्जेक्ट होंगे उसको तो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, फिर आपको कंट्रोल जे से कॉपी करना है। देखिए अपने आप सिलेक्ट कर लिया। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।